नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार माई गणित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ फाइकस प्लांट खरीद के लेकर आया हूँ बोनसाई बनाने के पर्पज से। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये जो मेरा है ये फाइकस ब्लैक है, ये फाइकस पांडा और ये फाइकस आइसलैंड। तो दोस्तों, अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हो, अगर आप बिगनर हो, तो आप शुरुआत करें फाइकस प्लांट से। फाइकस प्लांट बहुत ही इजी लग जाता है और ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। और तो फाइकस प्लांट से आप बोनसाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो बोनसाई जैसे आप देख रहे हैं, तो नर्सरी से ऐसे प्लांट का चूज करें जो आगे चलकर एक अच्छा बोनसाई बन सके। जैसे उसका ब्रांच, जैसे ये आप देख रहे हैं जो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो उसकी जो ब्रांचें हैं वो कैसी है। अभी हम इसको पॉट में लगाएंगे और इसको उसकी जो ट्रंक है, ब्रांचें हैं, उनको थोड़ा थिकनेस उसकी बढ़ाएंगे और उनके ऊपर वायरिंग करके इनको अलग अलग शेप देंगे। तो मैं आपको इसकी अपडेट दिखाता रहूँगा जैसे ये है। तो मैं जो लोग स्टार्टिंग से बोनसाई तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद है। इसकी रूट्स देख रहे हैं आप, काफ़ी बाहर निकली हुई हैं। तो हम जब पॉट में लगाएंगे तो इसकी जो रूट्स हैं ये वाली जो बाहर निकली हुई है, इनको काट देंगे। तो वायरिंग कैसे की जाती है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। एक मैं आपको दिखाता हूँ जिस पे मैंने वायरिंग की थी, वो प्लांट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस पे जब मैंने वायरिंग की थी तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। काफ़ी सीधा प्लांट था ये, तो मैंने वायरिंग करके इसकी जो ब्रांचें है उसको बेंड किया था। अब देख रहे हैं इसकी वायरिंग नहीं है, वायरिंग अब मैंने खोल दी है इस पे, क्योंकि जो इसकी जो हम ब्रांच बेंड करना चाहते थे तो वो बेंड हो गई है। तो एक ब्रांच, दो ब्रांच यहाँ से निकल रही थी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टूट गई है। तो मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब जो कोई नई ब्रांच आएगी तो मैं इसको, जो यहाँ से अब नई ब्रांच आएगी तो मैं इसको इसकी साइड बेंड करके करूँगा। और एक और प्लांट आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये भी मेरा फाइकस का प्लांट है। तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। जब मैं ये प्लांट ले गया था, बिल्कुल छोटा सा प्लांट था, एक इसकी जो ट्रंक है बिल्कुल छोटी सी थी। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखने हैं इतनी मोटी इसकी ट्रंक थी, इतना ऐसा एक बिल्कुल छोटा सा पतला सा प्लांट था। और जब मैंने इस पर, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा था, तो मैंने इस पर इसको वायरिंग करके इसकी जो ब्रांच है मैंने इसकी बेंड कर दी थी। देख रहे हैं आप, मैंने ये इसको जो इसका है, जो इसकी ट्रंक है, मैंने इसको बेंड कर दिया था और इस पे वायरिंग की थी। अब इस पे मैंने वायरिंग खोल दी क्योंकि जो ब्रांची हैं वो एक जगह से हो गई अपनी जगह पर, जैसे मैं करना चाहता था वैसे इसकी ब्रांची हो गई है। तो और इसके जो ट्रंक देख रहे हैं आप, काफ़ी ग्रोथ पे हैं, काफ़ी अच्छा ट्रंक इसका हो गया है, जैसे आप ये निशान देख रहे हैं, ये वायरिंग की निशान है जब मैंने वायरिंग की थी, जो इसकी थिकनेस से बिल्कुल बहुत ही कम थी। तो जब इसकी ग्रोथ बढ़ती गई तो ये वायरिंग के निशान इस पर पड़ गए थे। काफ़ी देख रहे हैं आप इस पे, इससे काफ़ी ग्रोथ इसकी चल रही है। बिल्कुल छोटा सा स्टार्टिंग से प्लांट मैंने शुरू किया था ये। तो जैसे ही ये प्लांट है अब मैं लेके आऊँ, तो आप भी एक बोनसाई शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं और एक बोनसाई आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए प्लांट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।